नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। कल से शुरू हुए आखिरी टेस्ट मैच में एक बार फिर से स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला गुम रहा। देखा जाए तो उन्होंने कोच द्रविड़ के भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कोच ने कहा था कि उन्हें विराट से शतक नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी पारी चाहिए जो टीम के लिए महत्वपूर्ण हो। लेकिन विराट एक बार फिर ऐसा नहीं कर सके। मैच से पहले पूरी दुनिया की नजर विराट पर थी। उनके फैंस आस लगाए बैठे थे कि विराट इस मैच में या तो एक बड़ी पारी खेलेंगे या नहीं तो कोच द्रविड़ की बात को ध्यान में रखकर बल्लेबाजी करेंगे, पर ऐसा हो न सका। विराट एक बार फिर अपने फ्लॉप शो को जारी रखे। वैसे आपको मैं बता दूं कि विराट ने अपना आखिरी शतक 23 नवंबर 2019 में लगाया था। तब से अब तक वो 18 टेस्ट मैच खेलकर मात्र 27.48 की औसत से 852 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल है। इसके साथ साथ 21 एक दिवसीय मैचों में भी कोहली तब से अब तक मात्र 37.66 की औसत से सिर्फ 791 रन ही बना पाए हैं, जिसमें 10 अर्धशतक तो हैं पर एक भी शतक शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि विराट के बल्ले में जंग लग गई है। इंग्लैंड के खिलाफ कल उन्होंने मात्र 11 रन की पारी खेली और मैथ्यू पोर्ट्स की गेंद पर बोल्ड हो गया। अब अगर उन्हें अपने बल्ले से कुछ करिश्मा दिखाना है तो अगली पारी का इंतजार करना होगा, और अगर वो उसमें भी फेल हुए तो कहीं ना कहीं उनके फैंस ये मान लेंगे कि विराट का क्रिकेट करियर का अंत अब नज़दीक है। तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।